एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे निराश लोग, आँखों में आंसू लिए लोग और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते थे। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे और ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश हो जाते थे? यह सब सोचकर वह भिखारी भी निर्णय लेता है कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर इतने खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। वह भिखारी भी लाइन में लग गया और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन जीने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास हाथ हैं जिससे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहें तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहें तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर भी दिया है तो वह गरीब नहीं है, बस उसका दिमाग गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगना चाहिए। बुद्ध की यह बातें सुनने के बाद वह भिखारी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और अब उसका मन संतुष्ट था। उसने वहीं बुद्ध के ही सामने निर्णय लिया कि आज के बाद वह भीख मांगना छोड़ देगा और कुछ न कुछ अच्छा काम करेगा। दोस्तों, हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जा सकता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं, और इन दानों से अंततः हमारे समाज की भलाई ही होती है और हमारा समाज ऊपर ही उठता है।